कृष्णा लोहान, वेलकम यू एट माय चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में किया था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में हमने समानताएं और जो विभेद है वो भी जाने थे, और उनके जो कार्य शक्तियां वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में कराई थी। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो संघीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद, यानी कि आपका छठा और सातवां चैप्टर है जो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें तीन तरह के, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपैरिजन में शो किया था, उसके बाद फिर मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बताया था, यानी कि दो क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, और थर्ड आज मैं कराने जा रही हूँ आपको, यानी कि ये लास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही लेसन अच्छे तरीके से और डिटेल में ही करा रही हूँ, तो ये आपके आपके दोनों ही चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं, संघीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में मैंने इसके कंपैरिजन में डाला है राज्य मंत्री परिषद, वो इसलिए ताकि आपके एक साथ दो क्वेश्चंस को आप कवर करें, आपके टाइम की बचत हो, और जो सिमिलैरिटीज हैं वो आपको याद करने की इतनी जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो सिर्फ समझने की ही चीजें हैं। आपका ज्यादा से ज्यादा एरिया मैं इसलिए यही कवर करवा रही हूँ कि ताकि आपको बहुत बहुत टाइम आपको ना देना पड़े, और सिर्फ थोड़े से टाइम में आप मैक्सिमम एरिया कवर कर पाओ। फर्स्ट टॉपिक इज संघीय मंत्री परिषद, जो कि अनुच्छेद 75 में इसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया कर रखा है, इसको डिस्क्राइब कर रखा है संघीय मंत्री परिषद। और राज्य मंत्री परिषद आप यहाँ देख सकते हो अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन किया गया है, यानी मंत्रिमंडल राज्य में 163 में इसको डाला गया है। इसके थ्रू हम जान सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, और जो अनुच्छेद 75 है इसमें हम देख सकते हैं कि संघीय मंत्री परिषद में क्या क्या होता है। दोनों को मैंने कंपैरिजन में कराया है, तो आप इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं, और यहाँ से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद में, तो मैंने इसको बता दिया कि कौन से को किस अनुच्छेद के द्वारा वर्णन किया गया है। फिर चलते हैं इनके गठन पर। प्रधानमंत्री का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, जो भी बहुमत पार्टी लाती है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री का पद देते हैं। फिर है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं संघीय मंत्री परिषद, जिसका कि प्रधानमंत्री मुखिया होता है, और मुखिया होने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि अब लिस्ट बना के देते हैं अपने अपने मंत्री की, जो भी मंत्री इनको अपने मंत्री परिषद में चाहिए उसकी लिस्ट बनाते हैं और देते हैं राष्ट्रपति को, सिफारिश करते हैं कि मुझे ये मंत्री अपनी मंत्री परिषद में चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत से अपनी पार्टी को जिताया था, तो उन्होंने जब मंत्री परिषद का निर्माण करना था तो उन्होंने राष्ट्रपति के आगे सिफारिश की, कम से कम 45 जो मेंबर्स से उनको लिया कि भी मैं इन 45 मेंबर्स को अपनी मंत्री परिषद में, संघीय मंत्री परिषद में लेना चाहता हूँ। तो उसमें कौन कौन थे, 24 उसमें कैबिनेट मंत्री थे, 10 स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे, और 12 राज्य मंत्री थे। ये थे किसके, संघीय मंत्री परिषद के मेंबर्स थे, ठीक है। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, सदस्य होते हैं संघीय मंत्री परिषद में 50 से 70 हो सकते हैं, इसके बीच भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम इसमें आ जाते हैं, अब राज्य मंत्री परिषद में कौन होता है, अगर मुख्यमंत्री वहां का किसी भी पार्टी का बहुमत से जीत जाता है तो राज्यपाल उसको अलो करता है कि आप मुख्यमंत्री के पद पर रहें और अपनी मंत्री परिषद के गठन के लिए मुझे मेंबर्स की लिस्ट दे दीजिए। तो ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री ने भी ऐसे किया, उसने भी अपने सदस्यों को चुन लिया और उसको लिस्ट को राज्यपाल को सौंप दिया। उसमें कैबिनेट सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ मिलाकर 7 होते हैं मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 12, ठीक है। ये कौन है, राज्य की मंत्री परिषद के सदस्य, ओके क्लियर। अब योग्यता क्या चाहिए संघीय मंत्री परिषद के लिए, योग्यता चाहिए कि सदन के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो इस सदन का सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का नहीं है तो किसी भी अपने संसद क्षेत्र से वो 6 महीने के अंदर चुनाव में जीत कर किस इन में से लोकसभा और राज्यसभा का एमपी जो है वो बने, ठीक है। इधर क्या है, यहाँ तो था लोकसभा और विधान, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा था, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है, नहीं है तो 6 महीने के अंदर उस विधानसभा या परिषद का सदस्य बनने की क्वालिटी दिखाए, ठीक है। फिर आती है बात यहाँ पे
वेतन की, वेतन जो है राज्य के जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा में बैठने वाले, उनके होते 20,000 मासिक होता है। यहाँ पे ज्यादा हो सकती है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है वैसे। फिर अब बात आती है मेन, जो इसकी संघीय मंत्री परिषद है, इसकी कार्य की। राष्ट्रनीति का निर्माण करते हैं। राष्ट्रनीति का निर्माण करने के लिए इनको क्या जरूरत होती है कि भी राष्ट्र से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सभी का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, या फिर किसी भी तरह की जो नीति है, वो सारी किसमें होती है, संघीय मंत्री परिषद में होती है। फिर प्रशासकीय कार्य, प्रशासकीय कार्य जो है इसमें जो भी है मंत्रिमंडल है, इनका मंत्रिमंडल है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको विभाग दिए जाते हैं, और उनमें जो कार्य चलाया जाता है वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको चेक किया जाता है। तो यही प्रशासकीय कार्य होते हैं किसी भी नीति पर कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, फिर बात आती है वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्यों में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित अगर कोई कार्य, न्यायालय, जैसे न्यायालय है, या फिर कानूनी रूप से कोई भी कार्य अगर सही चल रहा है, तो उसके भी देख रेख के लिए वैधानिक कार्य कौन करता है, मंत्री परिषद करती है। वित्तीय कार्य भी मंत्री परिषद करती है, जैसे कि आज सुमित्रा जो सीतारमण जी वित्तीय जो विधेयक लेके आई है और उसकी घोषणा कर रही है, उसके बारे में बता रही है, तो ये सारी चीजें आती हैं वित्तीय कार्य में, किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा लगा है या फिर लगने वाला है, या कितनी ग्रांट दी जा रही है, किस क्षेत्र में दी जा रही है, सारी वित्तीय कार्य में आते हैं। फिर है विभागों में तालमेल। मंत्री परिषद का मुख्य काम ये भी होता है कि जो जो मंत्री इन्होंने ये चुने हैं इनके अकॉर्डिंग इनको किन किन विभागों में दिया गया है कार्य, और ये उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इनमें आपसी तालमेल अच्छा है या नहीं है, इस चीज को भी चेक करता है मंत्री परिषद। फिर है नियुक्तियों पर नियंत्रण। अब जो भी नियुक्तियां मंत्रियों के द्वारा होती हैं, जिनको भी ये नियुक्त करते हैं, तो उनके नियंत्रण भी रखते हैं, क्योंकि वो जो बिल्कुल एक तरह से नियुक्तियां जो पारदर्शी रूप से होनी चाहिए। जांच पड़ताल की समितियां हैं जो वो भी होती हैं, सारे मंत्रिमंडल के अंडर होती है, यानी कहीं पर भी अगर कोई कार्य जो है बड़े तौर पर होता है या फिर कोई कार्य अच्छा नहीं होता, उसकी चेकिंग वगैरह के लिए मंत्री परिषद जांच पड़ताल समितियां बैठाती है, उनको कार्य सौंपती है। फिर है संकटकालीन घोषणा। संकटकालीन घोषणा में क्या होता है कि भी जिस भी क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या आती है, चाहे राज्य के तौर पर आती है, चाहे यहाँ यूनियन टेरिटरी से आती है, या फिर गृह युद्ध वगैरह कुछ भी है, कोई चीजें अगर संकटकालीन घोषणा करती हैं, तो उसका कार्य कौन देखता है, मंत्री परिषद देखती है। मंत्री परिषद का हेड आपको पता है प्रधानमंत्री होता है। संघ पे कानूनों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना, ये सारी चीजें भी कौन करता है, मंत्री परिषद करती है। राष्ट्रपति का सलाहकार भी कौन होता है, मंत्री परिषद होती है। तो दोस्तों किसी भी मुद्दे से रिलेटेड अगर कोई कार्य करना है, तो ये संघ मंत्री परिषद किससे पूछ के करती है, राष्ट्रपति से पूछ के करती है। अब बात आती है शपथ। इसके जो मंत्री परिषद के सदस्य जो है, प्रधानमंत्री ने चुन तो लिया, लेकिन राष्ट्रपति ने उसमें हाँ कही है, और इसी के आगे वो सारे के सारे वन बाय वन अपने विभाग के अनुसार शपथ लेते हैं। किसके आगे लेते हैं, राष्ट्रपति के आगे लेते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे। यहाँ पे जो है राज्य की मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद राज्य की कौन सी होती है, विधानसभा या विधान परिषद होती है। इसमें अब वो जो कार्य है वो कौन कौन से होते हैं, प्रांतीय नीतियों का ये तो करते थे केंद्र का, राष्ट्र पूरी राष्ट्र के नीतियों का निर्माण करते हैं, ये किसके करते हैं, केवल का जो है प्रांतीय नीतियों का निर्माण करते हैं, प्रांत में जो जो नीतियां चलाई जाती हैं उनका ये देख रेख करते हैं, नीतियां लागू करते हैं, किस तरह की नीतियां लागू होती है एक राज्य में, राज्य से संबंधित है, राज्य के विकास से संबंधित है, स्वास्थ्य के ऊपर हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, खेलों के ऊपर हो सकती है नीतियां, ये सारी चीजें यहाँ से राज्य के मंत्री परिषद ही लागू करती है। फिर है नियुक्तियां। राज्य में किसी भी बड़े अफसर की नियुक्ति करनी है, चाहे वो सिविल से हो या फिर बाहरी, मतलब कुछ भी अगर बड़ी पोस्ट पे लगे होते हैं, तो उनके सबकी नियुक्तियां भी कौन करता है, राज्य परिषद करता है। फिर वैधानिक कार्य है, वही वैधानिक कार्य है जैसे कि मतलब हाई कोर्ट है या जिला कोर्ट है, उनको जो कार्य सौंपे जा रहे हैं क्या उनको सुचारू रूप से कर रहे हैं, ये चीज देख रेख के लिए वैधानिक परिषद
कार्य करती है। वित्तीय कार्य क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ बताया कि केंद्र में जो है वित्तीय कार्य की देखरेख कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद करते हैं, यानी किसी एक जो मंत्री है, जैसे कि सीतारमन जी है, उनको दिया गया है यहाँ पे जो है वित्तीय कार्य देखने के लिए। वे मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्य होता है वित्त संबंधित, यानी कि जितना पैसा जिस भी क्षेत्र पे लग रहा है उससे रिलेटेड सारा जो है पूरा रिकॉर्ड किसके पास होता है? वित्त मंत्री के पास होता है। ये राज्य वित्त मंत्री भी होते हैं। कानूनों को बनाना और लागू करना, अब कानूनों को बनाना और लागू करना भी राज्य मंत्रिपरिषद का काम है। जैसे वो संघीय मंत्रिपरिषद थी वैसे ही राज्य परिषद है, ये सेम इक्वालिटीज है, एक तो पॉइंट ही अलग जाता है, बाकी सब सेम होता है। तो मेरे यहाँ कंपैरिजन में कराने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको मैं कम से कम टाइम में अच्छा एक एरिया है या आपका जो अच्छा एक टॉपिक है उसको बेहतर कराऊं, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो, थोड़े टाइम में आपकी हेल्प बहुत ज्यादा हो, आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब आते हैं हम कार्यकाल पर। कार्यकाल क्या होता है? अब इसमें संघीय मंत्री परिषद में राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, जब तक वो किसी सदन के सदस्य हैं तब तक रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें है राज्यपाल की इच्छा से कोई भी मंत्री कभी तक भी रह सकता है। और दूसरी बात जब आती है कि वो विधानसभा विधान परिषद का सदस्य जब तक रहेगा जब तक वो राज्य मंत्री परिषद में रहेगा, अगर वो नहीं रहता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर फिर से दोबारा कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र से वो खड़ा होकर जीतेगा, तब आकर वो राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा, ठीक है। दोस्तों ये तो थे, मैंने आपको कराया संघीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद दोनों का कंपैरिजन में कराया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कंपैरिजन कैसा लगा और आपको ये कंपैरिजन कराना कैसा लगता है, ये सारी चीजें आप मुझे डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके टॉपिक से रिलेटेड हर एक वीडियो का लिंक डालती हूँ मैं, आप वहां से देख लीजिए कीजिए और अपने टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।